हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन राणा। आज मैं आप लोगों को बिहार के नक्शे के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बिहार का नक्शा कैसे बनाते हैं ये दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, पहले ऐसे करना है। अब मैं आप लोगों को बिहार की चौधरी बताना चाहता हूँ, जो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये कोई लाइन नहीं है, ये गंगा नदी है। अब ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के गोमुख से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करके बिहार को दो भागों में बांटते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि बिहार को दो भागों में बांटते हुए, यानी उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। फ्रेंड्स, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिणी बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जो उत्तरी बिहार में पड़ता है। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, जो वो भी उत्तरी बिहार में पड़ता है। और फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी पटना है। जो गंगा नदी को सूती है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, जो दक्षिण बिहार में है। और फ्रेंड्स, गंगा नदी की बिहार में गंगा नदी की लंबाई 4,445 किलोमीटर है और गंगा नदी की कुल लंबाई 2,525 किलोमीटर है, यानी 2,525 किलोमीटर। और फ्रेंड्स, रोहतास ही ऐसा जिला है जो दो राज्यों की सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और फ्रेंड्स, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।